हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार, मैं सूरज कुमार दी हैंडसम, और मैं सिद्धू। तो आज हम लियो मतलब थलापति विजय का एंट्री सीन पे रिएक्शन देने वाले, जो एलसीयू के यूनिवर्स की फिल्म है। मतलब हम 10x10 के एरिया में बैठ के उसका रिएक्शन देने वाले। लेकिन एक बात बता दूं कि इससे पहले हमने जवान मूवी का रिएक्शन दिया था, और दो दो स्ट्राइक लगने के बाद भी पीछे की चुल खत्म नहीं हुई है, और आप लोग के लिए लेके आ गए लियो का रिएक्शन। लगाओ इससे पहले स्ट्राइक लग जाए। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है। मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो इस इलाके में कभी नहीं हुई, और यहाँ चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर हाइना की हलचल है। इस पूरी घटना के बारे में हम लगातार सैफ्रॉन टीवी से बने हुए हैं। आसपास के गांव वाले भी यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। पता नहीं वो हाइना किसके साथ क्या करेगा। सत्या पार्थिवन से बात कर रही थी लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा। कहाँ है वो? वो अभी अभी सिद्धू को स्कूल छोड़ने के लिए निकला है। एक बार सिद्धू को कॉल करके देखो, दोनों साथ में होंगे। अगर उससे तुम्हारी बात हो तो उसे कहना मुझे कॉल करे। उधर ठीक से हैंडल करो, उधर एक बैरिकेड लगाओ, जल्दी करो। कुमार सर, व्हाट्स द सिचुएशन अपडेट? सर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है सर। अगर ऐसे ही चलता रहा अगर त्रिशा को बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ एसओएस टीम से दो एक्सपर्ट भेजे। आज से पहले उन्होंने सिर्फ चीता पकड़ा है, पर यहाँ तो हाइना है। किसी को भी नहीं पता उसे कैसे हैंडल करना। पार्थिवन, वी हैव अ सिचुएशन, इमरजेंसी है, क्या तुम अभी आ सकते हो? आने पड़ेगा। अपने मैसेजेस चेक करो, मैंने तुम्हें फुटप्रिंट का फोटो भेजा है। फुटप्रिंट्स बड़े हैं, स्पॉटेड आईना भी हो सकता है। अगर वही है तो बहुत खूंखार होगा। ओके, तो तुम यहाँ कितनी जल्दी पहुंच सकते हो? स्कूल के लिए लेट हो गया था, चल वादा कर। पहले आप मुझसे वादा कीजिए, आप मम्मा से ये नहीं कहेंगे मैं आज स्कूल फोन लेकर गया था। स्मार्ट बॉय, प्लीज पापा। वो पैर के निशान इसके तो नहीं दिला। हाइना सोशल एनिमल्स होते हैं जोशी, वो झुंड में ही रहते हैं। अगर एक हाइना यहाँ अकेला आया है, या तो वो खो गया है या फिर झुंड मारा जा चुका है। लोग उससे डर कर उसे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसे जिंदा पकड़ना है। अगर तुम्हारा तरीका अपनाया ना तो वो हमारा ही शिकार कर डालेगा। तो कैसे पकड़ना है उसे? वॉकी टॉकी। चैनल 3, हम चैनल 3 पर ही गए। पापा मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आई विल बी हेल्पफुल। तो गाड़ी छोड़ के नीचे मत उतरना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। और मैं जानवरों से नहीं, तेरी माँ से डरता हूँ। ओके, सर ये बैरिकेड्स आपने यहाँ क्यों लगवाए? वो जानवर स्कूल में भी घुस सकता है सर, ये बहुत रिस्की हो सकता है सर। प्लीज सर, एक काम कीजिए, मैं आपको ना मेरा ड्रेस देता हूँ, मेरा काम भी आप ही कर दीजिए। पार्थिवन या जोशी, ये लोगों के बस की बात नहीं, सिचुएशन हमें ही संभालनी होगी। तुम सेंचुरी जाके ट्रैंक्विलाइजर तैयार करो, कहाँ से कब शूट करना है मैं बताऊंगा। ठीक है। जगह घूम रहा है, ये बात समझे बिना सब उसे मारने में लगे हुए। यही चलता रहा तो हाइना स्कूल पहुंच जाएगा। जोशी तुम ट्रैंकुलाइजर लेकर स्कूल के वेस्ट की तरफ पहुंचो। तीसरा पैर नहीं रुकेगा, सब लोग अंदर जाओ। पहले कह रहा हूं सब अंदर जाओ। सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर जाओ, एक इमरजेंसी है। टीचर अंदर साहब, आप लोग बच्चों को संभाल के अंदर ले जाइए, टाइम नहीं है, जल्दी करिए। इतने ठंडी में बच्चे स्कूल आए तो मामा और बच्चे नहीं करेंगे।
सुपरवाइजर खंड के लिए मुझे परमिशन मिल गई है, मैं घर लेकर जा रहा हूँ। पे निशाना मत लगाना, उसकी हंसी की आवाज जितनी तेज होगी उसका हमला भी उतना ही खतरनाक होगा। उसके लंग्स पे निशाना लगाओ। शूट। अरे हैंग ऑन, यही सही मौका है, शूट करो जोशी। मेरी गन जाम हो गई है पासे पर। मौका आने पर हर वक्त तैयार रहने वाला वो कोई सोल्जर नहीं है, मशीन है। सर्विस करनी पड़ती है। ए सिद्धू, अपना जैवलिन उठा और शूलेस जोशी अंकल को दे। ठीक है बाबा। अरे कहाँ थे आप लोग, कहाँ थे? अनाउंसमेंट नहीं सुन रहा। बिल्ली है, बिल्ली है। अंदर जैवलिन मुझे दे दीजिए। कॉफी शॉप भी है। अंदर जा, अंदर जा। एक एक करके सवाल पूछिए, सर आपको जवाब देंगे। देखिए
ये जो घटना हुई है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है, ये हमारे लिए रोज का काम है। उनको उधर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। ये डीएफओ पक्का कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, चल कवर करते हैं। अरे इन्हें क्या कवर करना, असल में इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कुछ नहीं किया। व्हाइट शर्ट, टक्ड इन, मिडिल एज मैन। अगर हमें जानना है असल में क्या हुआ था तो हमें उसे ढूंढना होगा, तब बनेगी असली न्यूज। व्हाइट शर्ट, मिडिल एज मैन, इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेंगे? This was unexpected in the theater. पूरे सीन का मेरे को ये टाइटल का आईडिया अच्छा लगा, सच्ची बताऊं तो। भाई थिएटर में यहीं पर मैं चिल्ला के, मतलब खड़े होकर चिल्लाया था भाई। अनएक्सपेक्टेड टाइटल कार्ड था ये, मतलब पुराने इनके इसके कंपेयर में तो कुछ नया ही बनाया था, बहुत मस्त बनाया था ये, मजा आ गया था भाई। यहाँ से ऐसा लगता है कि चलो अब फिल्म स्टार्ट हो गई है। तो अभी बाकी एक कॉफी वाला सीन, कॉफी कैफे वाला, सॉरी कैफे वाला, हाँ। वो सीन तो मेरा फेवरेट सीन है, चॉकलेट कॉफी। अरे भाई वो सीन मस्त शूट किया है, तो उसकी भी बात करें। नहीं, इसको भी बहुत ही अच्छे से शूट, हाँ, इसको मतलब शूट अच्छा किया है, प्लस सीजीआई वगैरह भी सही है इसका। इसको नकली लगने नहीं लगता यार, नकली नहीं लगता है। यहाँ पर बिल्डअप दिया था कि किस तरह से पार्थिवन अपनी लाइफ जीता है, तो काफी सारे चीजें हैं इस फिल्म के अंदर जिसे धीरे धीरे देखेंगे। और लोकेश की फिल्म है यार, जहाँ पर हमें हर सीन में एक अलग ही चीजें, मतलब उनको पता था ना, क्या पता स्टार्टिंग में 10 मिनट सो जाए तो नहीं मतलब कि क्योंकि ये सीन मतलब थोड़ा ओके था, ये एंट्री ठीक था, टाइटल कार्ड वन ऑफ द बेस्ट था। यहाँ मेरे को ऐसा लगता है इससे बड़ी ग्रैंड एंट्री तो वो कैफे वाली सीन थी। हाँ सही बोला, अगर वो एंट्री रहती तो उसको स्टार्टिंग में डाल के उसको आगे शिफ्ट, एडिटर की गलती होगी, हो सकती है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा ही था भाई। हाँ, ठीक है, हाँ। तो थलापति विजय सर की एंट्री हो जाती है, जहां पर टाइटल कार्ड थिएटर में जैसे ही आता है वैसे ही थिएटर पूरा स्टेडियम में बदल जाता है। मतलब कि यार यहाँ पर ही लोगों को लगता है कि भाई अब से कुछ अलग देखने को मिलेगा फिल्म में। मतलब कि वही चॉकलेट कॉफी वाला सीन जो पार्ट टू आने वाला है, उसके लिए आपको खाली इतना करना है कि सब्सक्राइब करके वेट करना है, वही है भाई, मजा आएगा। तो अगर आपको मजा आया है तो बोलो प्लीज सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हाँ, हमने नया रील भी डाला है, वो जो है उसमें कॉफी लेके बैठेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।